बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो असल में ये है कि उनकी इत्तबा की जाए, उनके नक्शे कदम के ऊपर चला जाए, ये असल में उनके साथ मोहब्बत है। अगर हम उनके हुक्मों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो क़यामत के दिन उनके मुखालिफ ही खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, उनकी अतात करें, अल्लाह के हुक्मों को मानें, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया है। तो हमारा जो आज का मौजू है, ये चेहरे के ऊपर दाग धब्बे और छाइयाँ पड़ जाती हैं। मैं आपको आज बहुत अच्छा एक नुस्खा आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पास मरीज आते हैं और काफ़ी मुश्किल में होते हैं। तो मैं ये खासकर उन लोगों के लिए जो हमसे बहुत दूर हैं, उन तक एक अच्छी चीज़ पहुंचाने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं ये नुस्खा उन तक पहुंचाऊं। आपने बहुत आसान और सस्ता नुस्खा आराम से बनने वाला, आप मूली के बीज ले लें और नसपाल, आप नसपाल आप सोचेंगे क्या चीज़ है। नसपाल कहते हैं कि अनार के छिलके, आप खुद भी अनार खाएं, उसके छिलके सुखा लें, या पंसार से भी आपको मिल सकते हैं। आप मूली के बीज ले लें, दो दो चार चार तोले जितना आपने बनाना हो वो आप ले लें, और अनार के छिलके दोनों को आपने खूब अच्छी तरह बिल्कुल पीस कर कपड़ छान कर लें, उसे दही की मलाई के साथ मिक्स करें, वो रात को आप चेहरे पर लगाएं, सुबह नीम गर्म पानी से धो लें, अल्लाह के फजल से आपके चेहरे से स्याहियाँ जो दाग पड़ गए हैं वो धब्बे जो नज़र आते हैं वो अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी कोशिश आपकी खिदमत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें आप तक हम पहुँचा सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा।